अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। जी कर रहे हैं हम सहरी, मेरे हस्बैंड ने कर ली है, मेरे बेटे ने भी कर ली है, मैं भी कर रही हूँ और सामने बेबी बैठी हुई है वो भी कर रही है सहरी। और सहरी हमारी हो चुकी है और ये आवाज़ परिंदे की आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी अजान होने वाली है। ये परिंदा जब भी आवाज़ निकालता है तो ये अजान होने वाली है, और मगरिब के टाइम भी ऐसे ही होता है। हस्बैंड ने जो है पानी वाला पाइप लगा दिया है बाहर के लिए। ये है बाहर लान और आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, आप लोगों को अंधेरा नज़र आ रहा है क्योंकि अभी तक अंधेरा ही है। सामने रोशनियां हैं, घर जो हैं उनके घरों में रोशनियां, लाइटें जल रही हैं और सामने मस्जिद हैं, और आप लोगों को परिंदों की भी आवाज़ आ रही होगी। सामने सुबह सुबह के परिंदे जो बोलते हैं, चलते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी वॉक कर रही थी यहाँ पे तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं वीडियो बना दूँ। और व्यूअर्स, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और ये बच्चे मुझे विश करने आए हैं। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ये फातिमा, ये सब जो है मुझे विश करने आए हैं। यानी हैप्पी एनिवर्सरी, ये इस तरह से ही करता है। और बच्चे जैसे देखो कैसे करने आए थे मुझे, और इसने विश नहीं किया। हाँ सोलंकी साहब, अभी जो है अफ्तारी का टाइम हो गया है और आज हमने किया है खाना, तो हमने सिर्फ फ्रूट चाट बनाई है और थोड़े सी पड़ोस से ये पकोड़े आए हैं, छोले आए हैं, और जो हम घर में शरबत बनाते हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें नसीब किया था वो हमें मिला है। चलें रोज़ा खोलते हैं। और अफ्तारी के बाद ये हमारा खाना, क्योंकि आज हमने अफ्तारी जो है सिर्फ फ्रूट चाट बनाई थी और उसके साथ हमारा था आज ये खाना था, सालन था और ये रोटी है। सफ़ेद चावल जो हैं सादा वाले वो भी बनाए हुए हैं, लेकिन वो मैं नहीं खा रही। और आज मेरी तबीयत बहुत बहुत डाउन है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हर किसी को सेहत और तंदुरुस्त रखे और रोज़े रखने की हिम्मत दे, तौफीक दे, हमारी इबादतें कबूल फरमाए अल्लाह ताला। तो चलें जी, अब करते हैं रात का खाना स्टार्ट। और जिन जिन ने नहीं खाया है आ जाएं हमारे साथ, जो है खाना खाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और जो नए देखने वाले हैं हमारे भाई बहन, वो इसको सब्सक्राइब भी करें। और फातिमा भी मेरे साथ आ गई है खाना खाने के लिए। फातिमा हाय करो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सदको वन्या किया। तो चले जी खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। खाने के बाद है ये मीठा, और मीठा मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। वो अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं तरावी, तो वो कहता है कि मीठा लाजमी होना चाहिए मैं नमाज़ पढ़ के आऊँ तो, क्योंकि मीठे से थोड़ा सा बंदा फ्रेश भी हो जाता है, एनर्जी भी मिलती है। तो हमने बनाई थी उसके लिए और बच्चों के लिए, बल्कि सबके लिए, दूध वाली सेवैयाँ। तो ये हैं दूध वाली सेवैयाँ मैं लेकर आई हूँ उसके लिए। और मैंने बताया था कि मेरी तबीयत डाउन है, तो मैंने खाना भी कुछ कम ही खाया है आज, ऐसे के ना खाने के बराबर है। तो ये हस्बैंड के लिए है और हस्बैंड लेके जा रहे हैं अंदर, कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, मैं अंदर बेड पर ही इसको खाऊंगा। और शहबाज शरीफ की हलफ बरदारी भी हो रही है तो वो टीवी पर देख रहे हैं। और ये घर की हालत देखें, बच्चों के खिलौने बिखरे हुए हैं, बच्चों की चप्पलें, ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है, कितना भी साफ बंदा करे लेकिन वैसा ही रहता है। बहुत ही कोशिश करते हैं कि घर साफ़ हो, लेकिन बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते हैं और बच्चों को बाहर भी नहीं भेजते हम, तो घर में ही अंदर होते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। और फिर वही हस्ब मामूल छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें,
और जो हमारे नए देखने वाले हैं भाई बहन और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो हमारी छोटे यूट्यूबर्स की सपोर्ट करें ताकि हमारे चैनल भी आगे बढ़ें, उनको सब्सक्राइब करें। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रही, जितने भी हमारे छोटे वाले यूट्यूबर्स हैं जो जिन्हों का चैनल जो है अभी बना है और अभी आगे नहीं बढ़ा है ना बढ़ रहा है, तो उनकी सपोर्ट करें। किसी का कुछ जाता नहीं है, बस ये एक हमदर्दी होती है, मोहब्बत होती है इंसान की, जो हमें नज़र भी आती है कि चलो भाई ये कोई है जो हमारी सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। छोटी सी मेरी मेहनत थी, काविश थी जो मैंने आप लोगों के साथ रखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।